फ्रेंड्स, मैं हूं सीए दिव्या बंसल और आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से ट्रांजिशनल क्रेडिट जो आप लोगों ने लिया है ट्रैन 1 और ट्रैन 2 फॉर्म्स के थ्रू वो कैसे वेरीफाई होगा जीएसटी अथॉरिटीज के द्वारा। इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे रेगुलर अपलोड्स के बारे में पता रहे। इसके साथ आप मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए जहाँ पे जीएसटी के इन्फोग्राफिक्स अपलोड किए जाते हैं और आप मुझे बाकी सोशल प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कीजिए। अब आते हैं हम अपने आज के टॉपिक पे यानी ट्रांजिशनल क्रेडिट वेरिफिकेशन का। अब आप ये सोचेंगे कि ये क्यों वेरीफाई हो रहा है, ये तो हमारा हक था ट्रांजिशनल क्रेडिट जो हमें लेना था, पर अब इसको क्यों चेक किया जा रहा है। ये इसलिए चेक किया जा रहा है क्योंकि जो सरकार ने अनुमान लगाया था कि जीएसटी की कलेक्शन होगी उससे बहुत कम हो रही है। दूसरी चीज, जितना क्रेडिट बनता था लोगों का, लोग उससे कहीं ज्यादा क्लेम कर रहे हैं। और तीसरा, कई बारी लोगों ने अपनी एलिजिबिलिटी से ज्यादा क्लेम किया है आईटीसी को। तो इन्हीं तीन बातों को ध्यान में रखते हुए जीएसटी अथॉरिटीज अब आपके ट्रांजिशनल क्रेडिट को भी वेरीफाई करेंगी और अकॉर्डिंगली स्टेप्स लेंगी। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या था इसके पीछे? इसके पीछे प्रिंसिपल ये था कि आपको अथॉरिटी दी गई थी ट्रांजिशनल क्रेडिट क्लेम करने की सेक्शन 140 में, यानी अगर आपने एलिजिबल ड्यूटीज का ही क्रेडिट क्लेम किया है और सही तरह से क्लेम किया है तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। पर कई बारी अननोइंगली या गलती से हम लोगों ने गलत क्रेडिट ले लिया है, तो उस चीज का ध्यान में रखने के लिए, उस चीज को सही करने के लिए ही ये वेरिफिकेशन हो रही है। अब हम कि क्या क्या चेक्स किए जा सकते हैं, क्या क्या वेरिफिकेशन किया जा सकता है, वो हम टेबल बाय टेबल डिस्कस करेंगे। पर इसके लिए अब अगर आप टेबल्स को याद करना चाहते हैं तो आप मेरी सेपरेट वीडियो जो ट्रैन 1 पे थी आप उसको देख सकते हैं कि किस टेबल में क्या क्या डिटेल्स थी। अकॉर्डिंगली फिर हम आपको उस टेबल पे क्या क्या वेरिफिकेशन पॉसिबल है वो हम आपको बताएंगे। जो आपका था टेबल नंबर 5, वो बेसिकली इसलिए था कि अगर आप पहले वैट में रजिस्टर्ड थे, एक्साइज में थे या सर्विस टैक्स में थे, तो उनके रिटर्न्स के अकॉर्डिंगली जो आपके पास क्रेडिट आना चाहिए था वो इसमें मेंशन होना था। तो क्या आपने वही लिखा है या उससे ज्यादा क्लेम कर लिया है, ये टेबल नंबर 5 में चेक हो सकता है आपका। साथ ही आपने कहीं जो ईसी है, SHEC है, KKC है या SBC है, उसका क्रेडिट तो नहीं ले लिया, यानी ये जो सेस है इनका क्रेडिट आपको अलाउड ही नहीं था। आपने अगर इनका क्रेडिट ले लिया होगा तो वो गलत है, उसकी जांच की जाएगी। फिर उसके बाद जो आपके एलिजिबल टैक्सेस हैं वो मेरे सेक्शन 140 में डिफाइंड है। आपको ये देखना होगा कि जिस भी आइटम्स का, यानी जो भी आपने टैक्सेस पे किए हैं, क्या वो एलिजिबल थे एज पर सेक्शन 140। अगर वो नहीं थे, यानी आपने गलत क्रेडिट क्लेम किया है और अथॉरिटीज आपसे क्वेश्चन कर सकती हैं कि आपने वो क्यों क्लेम किया है। और साथ ही आपको पुराने रिटर्न्स भी फाइल करने थे, यानी लास्ट 6 मंथ्स की आपकी रिटर्न फाइल होनी चाहिए थी, तभी आप एलिजिबल थे ट्रांजिशनल क्रेडिट लेने के, चाहे वो एक्साइज रिटर्न्स हो या सर्विस टैक्स रिटर्न्स हो या वैट रिटर्न्स हो। फिर बात आती है टेबल नंबर 6 की। टेबल नंबर 6 में हमें क्रेडिट लेना था कैपिटल गुड्स का। पहले जैसा कि आप जानते हैं कि कैपिटल गुड्स का क्रेडिट एक इंस्टॉलमेंट में नहीं अलाउड था, यानी आपको दो इंस्टॉलमेंट में क्रेडिट मिलता था, 50% ईयर ऑफ एक्विजिशन में और रिमेनिंग 50% नेक्स्ट ईयर में। तो इसमें गवर्नमेंट जो चेक करेगी वो ये चेक करेगी कि आपने कहीं उस कैपिटल गुड का क्रेडिट किसी और रिटर्न में, यानी जीएसटी रिटर्न में तो नहीं क्लेम कर लिया, या अपनी पहले के रिटर्न्स में तो नहीं क्लेम कर लिया था सारा क्रेडिट। और साथ ही वो ये भी चेक करेगी कि जो 50% है वो आपने पहले के रिटर्न्स में भी क्लेम किया होना चाहिए। इसके बाद अगर जो आपने क्रेडिट क्लेम किया हुआ है कैपिटल गुड्स पे, कहीं वो आपकी जो फिगर है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज तो नहीं है, अगर वो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्रेडिट होता है तो ऐसे केस में जो अथॉरिटीज़ हैं वो आपकी गुड्स की फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर सकती है, यानी कि वो कैपिटल गुड्स आपके पास एक्चुअल में पोजेशन में है या नहीं है, या आपके पास वो एग्जिस्ट करता है या नहीं है, ये भी वो चेक कर सकते हैं। इसके बाद आता है टेबल नंबर 7।
टेबल नंबर 7 जैसा कि आपको पता है बहुत ही मेजर टेबल था आपका ट्रान 1 में और साथ ही इसके ऊपर बहुत कंफ्यूजन्स भी थी। इसमें हमें ये चेक करना था कि कहीं आपने एग्जेम्प्टेड गुड्स का तो नहीं क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड कर लिया जो पहले भी एग्जेम्प्टेड थे अब भी एग्जेम्प्टेड है। आपने रूल 6 की एप्लीकेबिलिटी को चेक करना था और साथ ही आपको अपने ट्रांजिशनल प्रोविजंस का भी ध्यान रखना था। अगर आपने टेबल 7 में बहुत ज्यादा स्टॉक दिखा दिया है जो कि आपका यूजुअल वैट रिटर्न्स या बाकी एक्साइज पैटर्न में नहीं फॉल करता था तो उसकी भी वेरिफिकेशन हो सकती है। यानी आपका रीजनेबल स्टॉक जो आपकी ट्रेड प्रैक्टिस के अकॉर्डिंगली होता है वो चीज़ ही होनी चाहिए, एक्सेसिवली या एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई स्टॉक तो नहीं है। दूसरी चीज, आपने जो नॉन ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट्स थे उसका क्रेडिट आपने TRAN2 के थ्रू ही फ्लो कराया है। तीसरी चीज, कहीं आपने उसका क्रेडिट टेबल 5 में तो नहीं ले लिया, यानी आपने TRAN1 में ही 2 times क्रेडिट अवेल कर लिया उसी सेम स्टॉक का, टेबल 5 में भी और टेबल 7 में भी, ये भी चीज चेक की जाएगी। अब आती है बात कि अगर आप टेबल नंबर 7B देखते हैं जहां पे हमारा ये प्रोविजन था कि आपने जो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं वो तो करी हैं आपने 1 July के बाद, पर आपने टैक्सेस पहले पे कर दिए थे, तो उस केस में क्या था कि आपको ये जो डिलीवरी करनी थी सर्विसेज की या गुड्स की वो आपको 31 July तक करनी थी और बुक्स में एंट्री भी 31 July तक करनी थी। तो आपका देखा जाएगा कि आपके पास एक्चुअल में ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट्स है भी या नहीं उस सर्विसेज की या स्टॉक की। सेकेंडली, आपने बुक में एंट्री किस दिन करी है। तीसरा, अगर वैल्यू ज्यादा है तो गुड्स की मूवमेंट को भी चेक किया जा सकता है कि किस तरह से कहां से मूवमेंट की गई थी तब। फिर आता है टेबल नंबर 8। पहले क्योंकि हमें सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन अलाउड थी तो कहीं ना कहीं जिस भी बिल्डिंग में यानी जो भी HO ने सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन ले रखी थी वो उस क्रेडिट को पास ऑन कर सकता था अपनी रिसीविंग यूनिट्स को ट्रांजिशन फॉर्म भर के। तो ऐसे में कहीं रिसीविंग एंटिटीज ने भी तो TRAN1 नहीं भर दिया, यानी डबल क्रेडिट तो नहीं अवेल कर लिया, ये चीज चेक करी जाएगी। फिर आता है टेबल 11, जहां पे था कि सेम ट्रांजैक्शन पे आपको वैट भी लग रहा था और सर्विस टैक्स भी लग रहा था, तो उस केस में आपने क्रेडिट किस तरह से अवेल किया है। क्योंकि वैट हमारा स्टेट टैक्स था तो उसका क्रेडिट सिर्फ SGST की तरह ही जाएगा और जो सर्विस टैक्स था उसका क्रेडिट मेरा CGST की तरह ही आगे कैरी फॉरवर्ड हुआ होगा, ये चीज चेक की जाएगी। इसके अलावा कुछ जनरल चेक्स भी हैं, जो कि है कि आपने जो ट्रान 1 में क्रेडिट क्लेम किया है कहीं वो और GST रिटर्न से तो नहीं क्लेम कर लिया, यानी 3B में तो नहीं क्लेम कर लिया वही क्रेडिट। दूसरी चीज, आप अपने लिए एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं जिसमें आप अपनी एलिजिबिलिटी देख सकते हैं कि क्या मैं इसके लिए एलिजिबल था इस क्रेडिट के लिए और मैंने कितना क्लेम किया है, कैसे क्लेम किया है, कि मैंने ट्रांजिशनल फॉर्म्स के थ्रू क्लेम किया है या GST रिटर्न्स के थ्रू क्लेम किया है, ये आप रिकंसिलिएशन अपनी बना सकते हैं। तीसरी चीज जो मेजर चेक करी जा रही है वो ये है कि अगर आपका क्रेडिट आपने जो क्लेम किया है ट्रांजिशन फॉर्म से वो 25 लाख से ज्यादा है तो वो तो पक्का स्क्रूटनी में आ रहे हैं। साथ ही अगर आपके क्रेडिट की ग्रोथ हुई है 25% से ज्यादा पिछले 6 महीने में अपॉइंटेड डेट से यानी अक्टूबर 16 से जून 17 तक, तो उन केसेस को भी चेक किया जा रहा है और इन केसेस में आपको कहा जा सकता है कि आप परचेज स्टेटमेंट बनाओ। उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से हो सकता है कि आप अपना नाम के साथ अपना अर्लियर रजिस्ट्रेशन नंबर एक्साइज में, सर्विस टैक्स में, वैट में वो दें, साथ ही आप डिटेल्स दें कि वो स्टॉक आपने किस पर्सन से परचेज किया था, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, कितने बिल्स के अगेंस्ट परचेज किया था और क्या आपने उन बिल्स के अगेंस्ट में टैक्स पेमेंट करी है या नहीं करी है। फिर अभी के समय अगर हम देखें तो GST अथॉरिटी एक्चुअल में चेक क्या कर रही है ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है। पहली चीज कि अभी इस समय पे अथॉरिटीज टॉप 50,000 टैक्स पेयर्स की डिटेल चेक कर रही है। दूसरी चीज, वो मैच कर रही है कि क्लोजिंग बैलेंस एज पर योर अर्लियर रिटर्न्स, दैट मींस जो आपने पहले सर्विस टैक्स, एक्साइज या वैट रिटर्न्स में क्रेडिट क्लेम कर रखा था तो उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना बनता है, उसको वो पैन वाइज भी कंसोलिडेट कर रही है क्योंकि पहले आपकी सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन अलाउड थी। फिर वो चेक कर रही है टैक्स पेयर्स जिनके ITC में ग्रोथ हो रहा है 25% से ज़्यादा और साथ ही उनने जो क्रेडिट अवेल किया है वो 25 लाख से ज़्यादा है, उन लोगों की स्क्रूटनी हो रही है
और जिन भी टैक्सपेयर्स ने अपने आप को रजिस्टर कराया है अक्टूबर 16 से जून 17 में, एक्सेप्ट फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, यानी बेसिकली ये पॉइंट तो इसलिए देखा गया है ताकि आपकी बिलिंग की फर्म जितनी भी है उन पर अटैक किया जा सके। इसके लिए कुछ टाइमलाइन भी डिफाइन की गई है, यानी उनका किस तरह से आगे प्लान मूव कर रहा है वो बताते हैं हम आपको। आप देख सकते हैं स्लाइड में, मार्च 18 से जून तक का टारगेट है अथॉरिटीज का कि वो चेक करें जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन ली है अक्टूबर 16 से जून 17 में, जिनका ग्रोथ हुआ है 25% से ज़्यादा और जिन्होंने अवेल किया है क्रेडिट 25 लाख से ज़्यादा। सेकेंड फेज में चेक होगा जिन्होंने टॉप 1/3 के कैटेगरी में जो आ रहे हैं जिन्होंने क्रेडिट क्लेम किया है ट्रांजिशन फॉर्म्स की। थर्ड फेज आएगा नेक्स्ट 1/3 टैक्सपेयर्स का और लास्ट फेज आएगा बैलेंस 1/3 ट्रांजिशनल क्रेडिट जिन्होंने अवेल किया है उनकी स्क्रूटनी का। और इसके साथ जीएसटी काउंसिल ने यह भी कहा है कि जो डिस्प्यूटेड क्रेडिट है और जो ब्लॉक्ड क्रेडिट है वो आपका क्रेडिट नहीं माना जाएगा, यानी वो आप क्रेडिट ले ही नहीं सकते हो अपने पास। सो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसी तरह से मेरे चैनल को देखते रहिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।